देखिए दोस्तों, कोसी बांध जो है भूगोल का वो टूट चुका है दोस्तों। रात 12 बजे ही बांध टूटा है। यूं कहते हैं लोग कि कोसी अपना रास्ता खुद बनाती है। देखिए रास्ता ऐसा बना ली कि 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए धसना गिर रहा है दोस्तों, कटान शुरू हो गया है। एक कोसी इधर है जो भयावह तस्वीर दिख रही है, और एक इधर नया रास्ता बना ली है जो जमालपुर और एने को 20-25 गांवों को डुबा रहा है। मिनटों में पूरा गांव डूब गया, और अभी तक न नाव मिला न राहत सामग्री मिली। कुछ मिला नहीं, देने के लिए यहाँ लोग मर रहा है सर, लोग। देखिए दोस्तों, ऐसी भयानक तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। हर घर, यानी कितना घर था इधर जो कट गया, 2000-5000 घर के ऊपर भांस गया। देखिए दोस्तों, 5000 घर था और भांस गया। 5000 घर था, 5000 घर भांस गया, लोग आलोकित हो गया, देखते नहीं है। बताइए दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ये भयानक तस्वीर भूगोल की है। जमालपुर से थोड़ा आगे किरतपुर प्रखंड में पड़ता है, और ये पानी जो जा रहा है ये पूरा जमालपुर अनेकों इलाकों में बिरौल तक फैलेगा दोस्तों। कमला बलान, और इधर कौन सी नदी थी ये बगल में जिसमें कट के गया है, ये कोसी से कट गया बलान में, कोसी से कट कर कमला बलान में गया है दोस्तों। वही कमला बलान जो लगातार अपना अपडेट दे रही थी, लगातार बता रही थी कमला बलान कि हम ओवरफ्लो हो गए हैं, हम आपको बाढ़ में डुबो देंगे। कोसी बैराज में आपने देखा कि किस तरह कोसी बैराज से पानी निकला और किस तरह मिथिलांचल की ओर बढ़ा, मिथिला क्षेत्र की ओर बढ़ा। देखिए लोगों का भीड़ कितना लग गया है, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं। और ये रास्ता हुआ करता था दोस्तों, आज रास्ता नदी में बदल गया। कोसी ने अपना नदी, और बताया जाता है कि जब 87 का बाढ़ आया था तब जाकर ये जो बांध है वो टूटा था, और 87 के बाद, सोचिए 87 के बाद अब जाकर ये बांध टूटा है। 87 में टूटा था, आपकी एज भी नहीं, 87 टूटा था ना वहाँ पर, 68 में टूटा था, 87 में टूटा था, 24 में टूटा है। बताइए दोस्तों, लगातार बांध टूट रहा है। रात में ऐसा बांध टूटा, न डीएम साहब रोक पाए, न डीएसपी साहब रोक पाए, सभी अपना हाथ खड़ा कर। देखिए दोस्तों, कोसी बांध जो है भूगोल का वो टूट चुका है दोस्तों। रात 12 बजे ही बांध टूटा है। यूं कहते हैं लोग कि कोसी अपना रास्ता खुद बनाती है। देखिए रास्ता ऐसा बना ली कि 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए धसना गिर रहा है दोस्तों, कटान शुरू हो गया है। एक कोसी इधर है जो भयावह तस्वीर दिख रही है, और एक इधर नया रास्ता बना ली है जो जमालपुर और एने को 20-25 गांवों को डुबा रहा है। मिनटों में पूरा गांव डूब गया, और अभी तक न नाव मिला न राहत सामग्री मिली। कुछ मिला नहीं, देने के लिए यहाँ लोग मर रहा है सर, लोग ऊपर होने के लिए नाव भेजेगा। देखिए दोस्तों, ऐसी भयानक तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। हर घर, यानी कितना घर था इधर जो कट गया, 2000-5000 घर के ऊपर भांस गया। देखिए दोस्तों, 5000 घर था और भांस गया, 5000 घर था, 5000 घर भांस गया, लोग आलोकित हो गया, देखते नहीं है। बताइए दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ये भयानक तस्वीर भूगोल की है। जमालपुर से थोड़ा आगे किरतपुर प्रखंड में पड़ता है, और ये पानी जो जा रहा है ये पूरा जमालपुर अनेकों इलाकों में बिरौल तक फैलेगा दोस्तों। कमला बलान, और इधर कौन सी नदी थी ये बगल में जिसमें कट के गया है, ये कोसी से कट गया बलान में, कोसी से कट कर कमला बलान में गया है दोस्तों। वही कमला बलान जो लगातार अपना अपडेट दे रही थी, लगातार बता रही थी कमला बलान कि हम ओवरफ्लो हो गए हैं, हम आपको बाढ़ में डुबो देंगे। कोसी बैराज में आपने देखा कि किस तरह कोसी बैराज से पानी निकला और किस तरह मिथिलांचल की ओर बढ़ा, मिथिला क्षेत्र की ओर बढ़ा। देखिए लोगों का भीड़ कितना लग गया है, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं, यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं। और ये रास्ता हुआ करता था दोस्तों, आज रास्ता नदी में बदल गया। कोसी ने अपना नदी, और बताया जाता है कि जब 87 का बाढ़ आया था तब जाकर ये जो बांध है वो टूटा था, और 87 के बाद, सोचिए 87 के बाद अब जाकर ये बांध टूटा है। 87 में टूटा था, आपकी एज भी नहीं, 87 टूटा था ना वहाँ पर, 68 में टूटा था, 87 टूटा था, 24 में टूटा है। बताइए दोस्तों, लगातार बांध टूट रहा है। रात में ऐसा बांध टूटा, न डीएम साहब रोक पाए, न डीएसपी साहब रोक पाए, सभी अपना हाथ खड़ा कर दिए। आज देखिए मंजर दिख रहा है आपको, ये रास्ता जो है नदी में बदल गया। दूर तक जूम करके आपको दिखाएंगे, देखिए दोस्तों लोग राहत होगा, बच्चे का क्या हाल हो गया है। और इस साइड दिखाएंगे थोड़ा दूर से, देखिए इस साइड एक गांव है जिधर आदमी फंसा हुआ है दोस्तों, इसी रास्ता होकर जाते थे। और ये पीपल का पेड़ भी जाने ही वाला लग रहा है,
और इधर कुछ वृक्ष थे वो भी चले गए, चला गया। शारा देखिए नदी में बदल गया है दोस्तों, और कोशी एक नया रास्ता बना ली है और मिथिलांचल की ओर बढ़ गई है। देखिए काफी लोग देख रहे हैं, लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो को और हैशटैग लगाकर दरभंगा डीएम को टैग करें, हैशटैग लगाकर नीतीश कुमार को टैग करें, @ लगाकर उनको टैग कर दें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे और राहत सामग्री मिले। अभी तक कम से कम लाओ तो देगा, लोग यहाँ मर रहा है, छप्पर पर खड़ा है, छप्पर पर सब खड़ा, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार उसकी व्यवस्था करे। और यहाँ दूर तक देखिएगा दोस्तों, सारे लोग रोड पर आ गए हैं, सारे रोड रात भर सोए नहीं है, घर में जाए। तो देखिए जितने भी क्षेत्र है, अच्छा एक बात बताइएगा, इधर कितने क्षेत्र आते हैं? दरभंगा तक तो पूरा क्षेत्र समझ लीजिए, दरभंगा तक, यानी पूरा दरभंगा जिला डूबेगा। देखिए दोस्तों, गांव के लोग भी लगातार रात से मेहनत कर लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं।